नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 9 versus OnePlus 9 RT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus 9 में 6.3 इंच जबकि 9 RT में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो OnePlus 9 में 2.91 इंच जबकि 9 RT में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो OnePlus 9 में 0.32 इंच जबकि 9 RT में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus 9 में 183 ग्राम्स जबकि 9 RT में 198.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि OnePlus 9 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो OnePlus 9 में फ्लूइड AMOLED जबकि 9 RT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus 9 में 6.55 इंचेस जबकि 9 RT में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus 9 में 87.6% जबकि 9 RT में 87.44% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो OnePlus 9 में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9 RT में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus 9 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और 9 RT की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus 9 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9 RT की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 5 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 660 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो OnePlus 9 में 3 कलर्स जबकि 9 RT में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 54,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9 RT की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus 9 में 3
फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें OnePlus 9RT की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus 9 आगे है, मेन कैमरा में 9RT आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रेनो 3 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A72 है, तीसरा वीवो V20 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रेनो 5 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।